जामनिया का दशहरा हमेशा रहता है खास, पूरे राजसी तरीके से मनाया जाता है त्योहार। मालवा मिरर के लिए जामनिया से संदीप मौर्य की खबर। रियासतों के जमाने से ही इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित घने जंगलों और सुंदर वादियों के बीच स्थित जामनिया किले में हर वर्ष होने वाले दशहरा उत्सव खास होता है। लगभग 100 गांवों के हजारों लोग किले में अपने राजा से मिलकर उनको दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं और समारोह में शामिल होते हैं। जामनिया के वर्तमान राजा महाराज शालीवाहन सिंह जामनिया व महारानी रितेश्वरी कुमारी ने इस बार खास इंतजाम किए हैं और किले की आकर्षक विद्युत सज्जा भी की है। आयोजन के बारे में रितेश्वरी कुमारी ने बताया। हर साल हम पिछले बहुत सालों से हम यही मनाते आ रहे हैं। सिस्टम पूरा वैसे का वैसे ही सेम ही रहा है। 9 दिन तक माता जी की पूजा होती है। नवमी के दिन हम हवन होता है। हवन में औषधियों का हवन ज़्यादा प्रयोग होता है, जो कि बहुत सालों से होता है। फिर दशहरे के दशमी के दिन में पूरे गांव के, हमारे जैसे पुरानी रियासत के समय में हमारे यहाँ पर 87 विलेजेस थे, वो 87 विलेजेस आज भी इकट्ठे होते हैं और वैसे के वैसे उसी, हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी ट्रेडिशन रहा है उसको हम फॉलो करें और लोग भी हमें उसमें बहुत मदद करते हैं और वो जैसा पुराना ट्रेडिशन रहा था, भले ही पूरे साल वो कहीं भी रहें, पूरे कहीं भी अपना काम धंधा करते रहते हैं, लेकिन वो दशहरे के टाइम में सब वापस अपने अपने गांव आ जाते हैं टू कीप अप द ट्रेडिशन दैट इज़ गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड उसमें जो भी हमारी परंपरा है, परंपरा में ये है कि दशहरा जीतना है, हिमाद्री स्नान है और जो कल्चरल इफेक्ट है वो बिल्कुल वैसा ही लगता है, आपको लगेगा कि आप जिस पुराने ज़माने में चले गए। ये एक तरीके का इमोशनल बॉन्ड है जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग, इन लोगों का ऐसा पुराना मानना है, इनके बाप दादा ने जो भी इनको बताया होगा, कि राजा के बगैर ये इनका दशहरा भी अधूरा है। और एक इमोशनल बॉन्डिंग है जो कि हमको अपने लिए नहीं, इन लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। भले ही स्टेज चले गए एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी एड फ्रॉम एनीवेयर, इट इज़ ऑल ऑन आर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड आर पर्सनल लेवल दैट वी आर डूइंग द एंटायर थिंग। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।